प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन लोकसभा सत्र के दौरान लगातार तीसरी बार अपनी सरकार मोदी 3.0 बनने का भरोसा जताते हुए अगले 5 साल की रूपरेखा पेश की, जिसमें गरीबों, युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, ऊर्जा आत्मनिर्भरता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य रखे गए, ताकि भारत 2047 तक स्वर्णिम युग को छू सके। राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कह रहे हैं। मोदी 3.0 अपनी पूरी ताकत विकसित भारत की नींव को मजबूत करने में लगाएगा। आप भी सुनिए पीएम मोदी का ये भाषण। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना। पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे, उसलिए मैं कहना। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कॉम्पिटिशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बढ़ना था। मैं देखने वाला हूँ 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान देने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।